आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ तुषार। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 87 साल के हो चुके हैं, हालांकि वह इस उम्र में भी काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्हें करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में हम देखते हैं। इस फिल्म में वह आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, शबाना आजमी और जया बच्चन के साथ मुख्य भूमिका में देखे गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। हालांकि अब धर्मेंद्र की सेहत को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उससे फैंस थोड़े निराश जरूर हो सकते हैं। खबर है कि धर्मेंद्र अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से अपने बेटे सनी देओल के संग कुछ दिनों तक अमेरिका में रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र कुछ समय से हेल्थ इश्यूज का सामना कर रहे थे। अब ऐसे में उनके बेटे सनी देओल उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अमेरिका ले गए। सनी देओल ने करियर से कुछ दिनों का ब्रेक लिया है और अपने पिता का ख्याल रखने का फैसला किया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि धर्मेंद्र की तरह सनी भी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म गदर 2 की बंपर सफलता का आनंद ले रहे हैं। फिल्म की सफलता के बाद सनी अपने बीमार पिता की सेवा करने के मूड में। सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र और सनी देओल करीब 20 दिनों तक अमेरिका में रहेंगे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि धर्म सर इस समय 87 वर्ष के हैं और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इसलिए आगे के इलाज के लिए सनी अपने पिता के साथ USA जाने का फैसला किया है। वे 15-20 दिनों तक वहां पर रहेंगे और उनका वहीं पर इलाज चलेगा। तब तक अमेरिका में ही वह वक्त रहेंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।